परसों हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी और उसके साथ साथ तो खाना जो है हमारा आ चुका है, हाथ धो रहा है ये बस। अबा एक कुत्तों वाला चाय खड़ी दो यार सारे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। तो बहुत 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 ही माजरत, क्योंकि यार इतने दिन से व्लॉग नहीं आया। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ज़िम्मेवारियाँ भी बहुत थी मेरे ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ गाँव में थोड़े मसले मसाइल भी चल रहे हैं और स्कूल की जो ड्यूटी है वो भी मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो गए हुए हैं हैदराबाद। तो यहाँ पर मैं अकेला ही होता हूँ, ये तो मेरा कमरा ही है। तो ज़मीन वगैरह का काम काज और स्कूल वगैरह का वो सारी जिम्मेदारी मुझे अकेले पे थी। तो व्लॉग बनाना बहुत ही टफ था, मुश्किल था। तो बस आज दिल ने कहा भाई इतने दिन हो गए, आज व्लॉग किसी भी सूरत में किसी भी हालत में बनाना है। तो अभी बस स्कूल वगैरह से फ़ारिग हो गया हूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं। तो बस अभी शहबाज़ भाई के साथ जा रहा हूँ। शहबाज़ भाई ट्रीट दे रहा है मुझे, किस बात की वो मुझे नहीं पता, बस बोल रहा है भाई आपको आज खाना खिलाना है। तो अभी जा रहे हैं किसी होटल पे, देखेंगे खाना वाना खाएंगे अच्छा सा, शहबाज़ भाई खिला रहा है। तो बस चलते हैं और आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। ये देखो भाई गाड़ी निकाल रहा है भाई, ध्यान से भाई। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये सैलाब आया हुआ था, जलजला, उस वजह से ये देखिए आप सराउंडिंग पूरी जो है ना टूट गया था, जलजला आया था यहाँ पर थोड़ा सा, बारिश भी बहुत ही यार। चलें माशाल्लाह से आप जो है वेदर देखें, गांव की मौसम देखें कितनी प्यारी लग रही है। तकरीबन एक हफ्ता हो गया है यही मौसम चल रही है गांव में, तकरीबन 2-3 बजे तक यही मौसम रहती है, कभी कभार तो सारी रात। और हाँ परसों हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं जो है तूफ़ान वाली वो भी गरज रही थी। तो मौसम माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है तो घूमने का दिल तो करेगा ही, तो बस हम भी निकल पड़े। ये देखिए कितनी प्यारी मौसम है, ये सही। तो भाई अभी आ गए रेस्टोरेंट में, कोई भी नहीं है होटल में हमारे सिवा, फ्राइडे का दिन है तो अभी बस बैठे हैं खाने पीने के लिए। ये होटल का व्यू है माशाल्लाह से, अभी बस बैठे हैं, ऑर्डर वगैरह दे दिया है, अभी बस खाना आएगा, जितनी देर में आता है फिर आपको बताते हैं। काम देखो उसके खाना खाया है तो ये मुँह क्यों साफ कर रहा है, नहीं मतलब टिश्यू देखा नहीं कि गरीबों की तरह उठा लिया और वजह से ही पसीना आए ना आए, मुंह वगैरह सही हो फिर भी जो है ना साफ करना है, बस गरीब पानी पिया कब पिया, पानी के बाद ऐसे मुंह साफ किया जाता है गांव में, किस चीज़ से करते हो पलाल से? हाँ भाई ये बात है, ये गरीब बंदे जो होते हैं ना बस टिश्यू देखा नहीं और उठाना शुरू नहीं किए, गरीबों की निशानी है चूतिया। तो खाना जो है हमारा आ चुका है, हाथ धो रहा है ये बस अभी, हाँ टिश्यू आप उठाओ, अब हाथ पहुँचो ठीक है। ये आ गया है हमारा खाना, राइट कढ़ाई और ये रोटी, बस फटाफट से शुरू करते हैं, ख़त्म करके आपसे मिलते हैं। आस्ते खाओ आस्ते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गामू आंगो ठीक है, सही है, बैठे हैं चाय पीने के लिए। भाई कुत्ता अबा एक कुत्तों वाला चाय खड़ी दो यार सारे। आसान नहीं आई वाह। नतो वने। हां। बजियो चाय खणी आ सोना सुठी। हां। आने लाए। मजा आया भाई। तो भाई अभी हम आए छत पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मौसम जो है वो भी एंजॉय कर रहे हैं और इंटरनेट वगैरह भी चला नहीं है क्योंकि अभी नेट
नीचे नहीं चल रही, तो अभी ऊपर आके बैठे हुए हैं। ये आप देखो हमारी छत, तो छत का ये व्यू है। आपको पहले सारा छत का जो टूर दिया था, इधर मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे साथ शहबाज भाई भी है। ये देखो आप भाई शर्मिली लड़की की तरह बैठा हुआ है नीचे जो है सर झुका के। खुद को अकेला क्यों बोल रहे हो? मैं तो अकेला नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ मैं अकेला बैठा हूँ, वहाँ शहबाज भाई बैठा है। तूने ठीक नहीं सुना, छत एक नहीं है ना, छत छत के दो पार्टीशन है। देखो ये एक पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, वो है। समझने वालों के लिए इशारा कर, बकवास मत कर। यही था, फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। देखते हैं, निकलते हैं बाहर। अभी तो 5:15 बज रहे और देखते हैं अभी थोड़ा सा बाहर निकलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम घूमने का अपना मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ तो अपनी नेचर का अपना मज़ा है। तो बस बाहर निकलते हैं और आपके साथ मिलते हैं।